एक दिन क्या करेंगे, नेताजी जाएंगे झाड़ू लगा देंगे, फोटो कैमरा में आ गया, मोबाइल में आ गया, फिर अगला दिन से भूल गया। एक दिन मोदी जी झाड़ू क्यों लगाते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप लगातार झाड़ू लगाइए। अभी हम पौधा लगा दिए, फोटो खींचा गया, अगला दिन से क्या हुआ, उसको भूल गया। भूलता है कि नहीं भूलता सब? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टारगेट किया। देखिए, तेज प्रताप यादव का साफ शब्दों में कहना है कि नेताजी एक दिन झाड़ू उठाते हैं और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में महिला जो काम करती हैं वो पड्डे साफ सफाई करते हैं, पर नेताजी केवल फोटो खिंचवाते हैं। क्या कुछ करें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। एक दिन क्या करेंगे, नेताजी जाएंगे झाड़ू लगा देंगे, फोटो कैमरा में आ गया, मोबाइल में आ गया, फिर अगला दिन से भूल गया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। स्वच्छता अभियान अगर चले तो लगातार चले, स्वच्छ अगर बनाना है तो लगातार उसमें रोज घर में देखते हैं कि महिलाएं जो है काम करती हैं घरों में और झाड़ू लगाती हैं, साफ सफाई करती हैं कि नहीं? आपकी मम्मी भी रहती होंगी, आप लोग भी घर अपने अपने घर को, तो पहले अपना खुद का घर को बचाइए। जब तक घर नहीं बचेगा तो हम बाहर समाज में और फिर आगे हम क्या काम करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले कि आप लोग अपने घर को सुधारिए, अपने खुद क्या आप कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस कीजिए पहले कि आप क्या कर रहे हैं खुद। तो इसीलिए अभी क्योंकि हम बनारस गए हुए थे, बनारस उधर से लौटे, तो अब बनारस में 80 घाट है। वहां पे हुआ कि कुछ लोगों ने बताया कि मोदी जी का कार्यक्रम हुआ वहां, स्वच्छता अभियान का पूरा सफाई हो गया। हम वहां गए, गंगा नदी के किनारे, देखा पूरा कचरा था। सफाई तो मोदी जी नहीं किए, यहाँ झाड़ू नहीं लगाए मोदी जी को वहां झाड़ू लगाना चाहिए था। एक दिन मोदी जी झाड़ू क्यों लगाते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप लगातार झाड़ू लगाइए। सब लोग मिलजुल के झाड़ू लगाइए, एक दिन झाड़ू लगाने से स्वच्छता अभियान आपका हो जाएगा। इस पर कमेंट हम नहीं कर रहे हैं, एक दिन जैसे झाड़ू लगाया, आप माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन एक दिन झाड़ू लगाने से नहीं होता। हम कोई पौधा अगर लगाते हैं अपने घर में, चलिए हम अपनी बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, अगर कोई पौधा हम अगर अपने घर में लगाते हैं तो उसका नियमित रूप से अगर हम पौधा लगा दिए तो उसका नियमित रूप से पानी दीजिए, खाद दीजिए, तभी ना पौधा पौधा जब बढ़ेगा तो वो फल देगा मीठा मीठा। आप एक दिन उसमें, अभी हम पौधा लगा दिए, फोटो खिंचा गया, अगला दिन से क्या हुआ, उसको भूल गया। भूलता है कि नहीं भूलता सब? तो हम चाहते ये हैं, और आप लोग भी आज से डॉल्फिन दिवस के दिन वृक्षारोपण कीजिए। जिनको जगह है, जो आप बच्चे अपार्टमेंट में रहते हैं वो गमले में एक ही पौधा लगाइए। हम नहीं कह रहे हैं कि सैकड़ों पौधा लगाइए, एक ही पौधा लगाइए, लेकिन उसको नियम पूर्वक उसका सेवा कीजिए। तो अभी आप तेज प्रताप यादव को सुन रहे थे, आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं को टारगेट किया है और साफ शब्दों में कहना है कि एक दिन का स्वच्छता अभियान चलाते हैं और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। क्या कुछ कर रहे थे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव, किस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि अगर साफ सफाई करना है तो प्रतिदिन करें। क्या कुछ कर रहे थे तेज प्रताप यादव, वो आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। धन्यवाद।